फ्रांस के गणमान्य नागरिक और यहाँ अपनी मेहनत अपने कौशल से भारत और फ्रांस का गौरव बढ़ाने वाले आप सभी साथियों का नमस्कार। बॉन्जू मेजे में भाई और बहनों, भारत और फ्रांस की मित्रता पूरी तरह से अटूट है और ये मित्रता नहीं, एक प्रकार से मित्रता से भी कुछ आगे है, ये नई नहीं है बल्कि सालों पुरानी है। ऐसा कोई मौका या वैश्विक मंच नहीं होगा जहां हमारे देशों ने एक दूसरे का समर्थन न किया हो और साथ काम न किया हो, और इसलिए आज का दिन इस दोस्ती के नाम है। साथियों, अच्छी दोस्ती का मतलब ये है सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना, चाहे जो भी परिस्थिति हो। जब भारत या फ्रांस में कोई भी अच्छी उपलब्धि होती हो तो हम एक दूसरे के लिए खुश होते हैं। मुझे लगता है कि भारत में फ्रांस की फुटबॉल टीम के समर्थकों की संख्या शायद जितनी फ्रांस में है उससे भी ज्यादा भारत में होगी। जब फ्रांस ने फुटबॉल विश्व कप जीता था तो इसका जश्न भारत में भी बड़े जोर शोर से मनाया गया था। साथियों, इसी तरह हम दुख की घड़ी में भी उतनी ही घनिष्ठता से एक दूसरे के साथ खड़े हैं। इसका उदाहरण फ्रांस में हुए एयर इंडिया के दो विमान हादसों का ये स्मारक भी है। इन हादसों में कई भारतीय यात्रियों का निधन हुआ था। इनमें भारत के महानतम वैज्ञानिकों में से एक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भी थे। भारत के उस महान सपूत को और अन्य भारतीयों को जिन्होंने इस दुर्घटना में अपने प्राण गंवाए, उन्हें मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, इस मेमोरियल का हर पत्थर हमारे नागरिकों की एक दूसरे के लिए संवेदनशीलता का जीता जागता सबूत है। हम नमन करते हैं सेंट जर्वे के उन गाइड्स को जिन्होंने हादसे के बाद विमान के मलबे की खोज में दिन रात काम किया, विपरीत परिस्थितियों में काम किया। आज उन गाइड्स के परिवार जन भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से संपर्क का अवसर प्राप्त हुआ। मैं उन गाइड्स का और उनके स्वजनों का भी भारत की तरफ से आदरपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। मैं सेंट जर्वे के मेयर का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने
इस मेमोरियल को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं फ्रांस की सरकार, राष्ट्रपति मैक्रो और फ्रांस की जनता का मुझे आमंत्रित करने के लिए, आप सभी से मिलने का अवसर देने के लिए भी आभार व्यक्त करता हूं। इन दिनों पहले और उसका कारण बापू के रग रग में राम भक्ति भी है, राष्ट्र भक्ति भी है। आज अगर मेरे पास समय की सुविधा होती, आपको याद है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मुझे याद है। और आमतौर पर राजनेताओं को वादा भुला देने में मजा आता है, लेकिन मैं उस बिरादरी से नहीं हूं। और इसलिए मैं खुद वादा याद कराता हूं। मैंने कहा था कि भारत आशाओं और आकांक्षाओं के नए सफर पर निकलने वाला है, और आज जब आपके बीच आया हूं तो नम्रता के साथ, बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम न सिर्फ उस सफर पर निकल पड़े बल्कि 130 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से भारत तेज गति से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। यही कारण है कि इस बार फिर देशवासियों ने पहले से भी अधिक प्रचंड जनादेश देकर हमारी सरकार को समर्थन दिया है। फिर एक बार हमें देश की सेवा करने का मौका दिया है। ये जनादेश सिर्फ एक सरकार चलाने के लिए नहीं है, बल्कि नए भारत के निर्माण के लिए है। एक ऐसा नया भारत जिसकी समृद्ध सभ्यता और संस्कृति, उस पर पूरे विश्व को गर्व हो, और जो 21वीं सदी की आधुनिकता को भी लीड करें। ऐसा नया भारत जिसका फोकस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी हो और जो ईज ऑफ लिविंग की भी सुनिश्चित करने के लिए हर कदम उठाएं। साथियों, भारत में पिछले 5 सालों में ढेर सारे सकारात्मक बदलाव हुए हैं। इन बदलावों के केंद्र में भारत की युवा शक्ति, भारत के गांव, गरीब, किसान, ये नारी शक्ति, ये उसके केंद्र बिंदु में रहे हैं। मैं फुटबॉल प्रेमियों के देश में आया हूं, और जब फुटबॉल प्रेमियों के बीच में आया हूं तो
आप भलीभांति जानते हैं गोल का महत्व क्या होता है। और इसलिए अल्टीमेट अचीव करना है तो गोल ही करना होता है। हमने पिछले 5 सालों में कुछ ऐसे गोल रखे हैं जो पहले नामुमकिन माने जाते थे। लेकिन टीम स्पिरिट की भावना से हमने उन लोगों को, उन लक्ष्यों को साकार करके दिखाया है। साथियों, पूरी दुनिया में एक तय समय में सबसे ज्यादा बैंक अकाउंट अगर किसी देश में खुले हैं तो वो भारत में खुले हैं। पूरी दुनिया की अगर आज सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम किसी देश में चल रही है तो उस देश का नाम है। इस स्कीम से कवर्ड लोगों की संख्या कितनी ज्यादा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको इसकी जो कुल आबादी है उसको अगर हम जोड़ दें तो उससे भी ज्यादा लोग भारत की इस योजना के लाभार्थी हैं। साथियों, पूरी दुनिया ने टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य साल 2030 तक रखा है। पूरे विश्व ने 2030 तक इस काम को पूरा करने का तय किया है। लेकिन ये नया हिंदुस्तान है। आपको गर्व होगा कि जिस गति से हम इस पर काम कर रहे हैं उससे भारत इस लक्ष्य को 5 साल पहले 2025 में पूरा कर देगा। इसी तरह COP21 में क्लाइमेट चेंज के जो लक्ष्य 2030 के लिए निर्धारित किए गए थे उनमें से ज्यादातर लक्ष्यों को भारत अगले 1-1.5 वर्षों में प्राप्त कर लेगा। देखिए, हिंदुस्तान वही है, गांधी भी वही है, आप भी वही है। गांधी की शताब्दी भी मनाई गई, गांधी के 125 साल भी मनाए गए, इस बार गांधी के 150 मनाए जा रहे हैं और अब तक दुनिया के 124 देशों के टॉप मोस्ट सिंगर्स म्यूजिशियंस ने वैष्णव भजन तो तेने रे कहिए ये गाया है। साथियों, आज कई स्टडीज आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि भारत अपनी गरीबी को बहुत तेजी से दूर कर रहा है। हम गरीबी से बाहर आ रहे हैं। ये भी हमारा एक गोल था जिसको हम तेजी से पूरा करने में लगे हैं। भारत आज नई ऊर्जा से भरा है और उसका प्रतीक है कि भारत आज स्टार्टअप की दुनिया में भी बहुत आगे हैं। छोटे छोटे शहर के टैलेंटेड युवा एक से बढ़कर एक इनोवेशन कर रहे हैं। साथियों, ये भी सच है कि पिछले 5 सालों में हमने देश की अनेक कुरीतियों को रेड कार्ड भी दे दिया है।
आज नए भारत चिंता मत कीजिए, आप तक आना नहीं पड़ेगा। हम वहीं जाते हैं जहां सही जगह होती है। आज नए भारत में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, जनता के पैसे की लूट, आतंकवाद, जिस तरह लगाम कसी जा रही है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। साथियों, नए भारत में थकने रुकने का सवाल ही पैदा नहीं है। नई सरकार को बने ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी सिर्फ 75 दिन हुए हैं, 100 दिन होना बाकी है। और ये दिन तो किस चीज के लिए होते हैं? सरकार बनने के बाद स्वागत सम्मान होते, फूल मालाएं होती हैं, जय जयकार चलता है। हम उस चक्कर में नहीं पड़े। सिर्फ 75 दिन ही पूरे हुए हैं, लेकिन स्पष्ट नीति और सही दिशा के मंत्र से प्रेरित होकर एक के बाद एक कई बड़े फैसले ले लिए गए हैं। नई सरकार बनते ही जल शक्ति के लिए एक नए मंत्रालय को बनाया गया, जो पानी से संबंधित सारे विषयों को होलिस्टिकली देखेगा। गरीब किसानों और व्यापारियों को पेंशन की सुविधा मिले, इसका भी फैसला लिया गया। ट्रिपल तलाक, एक अमानवीय कृति, नारी का सम्मान और उसके जीवन भर ट्रिपल तलाक की तलवार लटकती रहे, हमने इसे खत्म कर दिया दोस्त। कोई माने या न माने, कोई लिखे या न लिखे, कोई बोले या न बोले, कोई बोल पाए या न बोल पाए, लेकिन इन करोड़ों बेटियों के आशीर्वाद आने वाली सदियों तक भारत का भला करने वाले हैं। मुस्लिम बहन बेटियों के साथ ऐसा अन्याय नया हिंदुस्तान कैसे स्वीकार कर सकता है? इसी तरह चाइल्ड प्रोटेक्शन और हेल्थ के क्षेत्र में भी सरकार ने कई महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। आज इस बात की भी बहुत चर्चा है। इस बार हमारी संसद का सत्र
पिछले छह दशक से भी ज्यादा प्रोडक्टिव रहा है, यानी पिछले 60 साल में जितने भी पार्लियामेंट के सत्र हुए उसमें जितना काम होता था एक एक सत्र में, उससे ज्यादा काम इस बार हुआ है। ये क्यों हुआ? क्यों हुआ? नहीं नहीं क्यों हुआ? अरे मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए नहीं हुआ है। ये इसलिए हुआ कि देश की जनता ने थप्पा लगाया। ये 125 करोड़ देशवासियों की ताकत है, ये लोकतंत्र की ताकत है, और उसका दबाव होता है जो देश हित के काम करने के लिए हर किसी को प्रेरित भी करता है, मजबूर भी करता है। आप सभी जानते हैं कि 7 सितंबर को हम सभी का चंद्रयान चांद पर उतरने वाला है। इस उपलब्धि के बाद चांद पर उतरने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। बहन और भाइयों, भारत में हो रही इस प्रगति के बीच फ्रांस के साथ हमारे सदियों पुराने संबंध दिन प्रतिदिन मजबूत हुए हैं। एक दूसरे की आवश्यकताओं को ध्यान, एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता, एक दूसरे के प्रति विश्वास को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत और फ्रांस एक दूसरे के लिए लड़े भी हैं और जिए भी हैं। दोनों देशों ने कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मनों से मुकाबला किया है। यही वो धरती है जहां प्रथम विश्व युद्ध में 9000 भारतीय सैनिकों ने फ्रांस के सैनिकों के साथ मानवता के पक्ष में लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और यहां रहने वाले हर हिंदुस्तानी को ये 9000 का आंकड़ा कभी भूलना नहीं चाहिए। साथियों, हमने फासिज्म और एक्सट्रीमिज्म का मुकाबला भारत में ही नहीं बल्कि फ्रांस की धरती पर भी किया है। हमारी दोस्ती ठोस आदर्शों पर बनी है। दोनों देशों के चरित्र का निर्माण लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के साझा मूल्यों से हुआ। आज अगर भारत और फ्रांस दुनिया के बड़े खतरों से लड़ने में नजदीकी सहयोग कर रहे हैं तो उसका कारण भी यह साझा मूल्य ही है। चाहे वह आतंकवाद हो या फिर क्लाइमेट चेंज, लोकतंत्र के मूल्यों को इन खतरों से बचाने की हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने भली भांति स्वीकारा है। भारत और फ्रांस के संबंधों की दूसरी विशेषता यह है कि हम
चुनौतियों का सामना सिर्फ बातों से नहीं, ठोस कार्रवाई से करते हैं। दुनिया में क्लाइमेट चेंज की बातें तो बहुत होती हैं, मगर उन पर एक्शन होता हुआ कम दिखता है। हमने और फ्रांस ने साथ मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की पहल की। आज इसमें करीब दुनिया के 75 देश सक्रिय रूप से जुड़ चुके हैं और क्लाइमेट चेंज के, ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ ऐसा जमीन पर सही मायने में बदलाव ला रहा है। भाई और बहनों, आजकल हम 21वीं सदी के इंफ्रा की बात करते हैं। हर कोई नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रा बोलता है, लेकिन यहां मेरा इंफ्रा का मतलब कुछ और है। यहां मैं जब आपके बीच आया हूं, फ्रांस की धरती पर आया हूं, तब मेरा इंफ्रा का मतलब है IN इंडिया के लिए, FRA फ्रांस के लिए, IN प्लस FRA यानी इंडिया और फ्रांस का तालमेल अलायंस इंफ्रा। सोलर इंफ्रा से लेकर सोशल इंफ्रा तक, टेक्निकल इंफ्रा से लेकर स्पेस इंफ्रा तक, डिजिटल इंफ्रा से लेकर डिफेंस इंफ्रा तक, भारत और फ्रांस का अलायंस मजबूती से आगे बढ़ रहा है। भारत में स्मार्ट शहरी व्यवस्थाओं के निर्माण और इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन में भागीदारी से भी दोनों ही देशों को लाभ मिल रहा है। भाइयों और बहनों, फ्रांस में भारतीय वैज्ञानिकों और इंडिया में फ्रेंच टेक्नोलॉजी का बड़ा सम्मान है। आप में से कई लोग फ्रांस में भारत की वैज्ञानिक प्रतिभा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एटॉमिक एनर्जी, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी और दूसरे हाईटेक एरियाज में दोनों देशों के सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स जुड़े हुए हैं। फ्रांस में दुनिया के इकलौते फ्यूजन रिएक्टर बनाने के प्रोजेक्ट में भी भारतीय प्रतिभा भागीदार है। यही सदी का बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रोजेक्ट है। जब यह टेक्नोलॉजी आने वाली पीढ़ियों को अपार ऊर्जा उपलब्ध कराएगी, तो उसमें आपका भी योगदान होगा। सोचिए कितना गर्व होगा हर भारतीय को। साथियों, भारत से आपका रिश्ता मिट्टी का है। भारत से आपका रिश्ता मिट्टी का है तो फ्रांस से मेहनत का नाता है। आपकी सफलताएं फ्रांस के लिए गौरव का विषय तो है, साथ ही यह भारत को भी गौरवान्वित करती है। भारतीय मूल के लोगों ने फ्रांसीसी पब्लिक लाइफ में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। कई व्यक्ति फ्रेंच संसद के सदस्य हैं। जब भारतीय प्रतिभाओं को
फ्रांस के सम्मान प्राप्त होता है तो हमारा भी सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि आपने फ्रांस के रिवाजों और कानूनों को अपनाने के साथ साथ अपनी विशिष्ट भारतीयता को सहज रखा है। मुझे बताया गया है कि गणपति महोत्सव पेरिस के कल्चरल कैलेंडर की मुख्य विशेषता बन गया है। गणेश चतुर्थी के दिन एक प्रकार से पेरिस मिनी इंडिया में बदल जाता है, यानी अब से कुछ दिन बाद यहां गणपति बप्पा मौर्या की गूंज भी सुनाई देगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और कल जन्माष्टमी का पवित्र पर्व भी है, मैं इसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, इस वर्ष हम सब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती और गुरु नानक देव जी की 550वां प्रकाश पर्व भी मनाने जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से कुछ लोगों ने गांधी क्विज में भी भाग लिया होगा। अगर रह गए हैं तो अभी भी मौका है। भाइयों और बहनों, देश के विकास के लिए आपका योगदान भारत के लिए बहुत बड़ी ताकत है। भारत और फ्रांस के रिश्तों की मजबूती के मूल में भी सिर्फ सरकारें नहीं हैं, बल्कि आप जैसे नागरिक हैं। आप ही फ्रांस में भारत के प्रतिनिधि हैं, आप ही भारत की आवाज हैं, आप ही भारत की पहचान है। मुझे विश्वास है कि भारत की इस आवाज को आप हमेशा हमेशा के लिए बुलंद करते रहेंगे। और मैं हमेशा हमेशा इसलिए कहता हूं कि अब हिंदुस्तान में टेम्पररी के लिए व्यवस्था नहीं है। आपने देखा होगा 125 करोड़ का देश, गांधी और बुद्ध की धरती, राम और कृष्ण की भूमि, टेम्पररी को निकालते निकालते 70 साल चले गए। टेम्पररी को निकालने में 70 साल, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है हंसना कि रोना। खैर साथियों, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परमानेंट व्यवस्थाओं के साथ, पक्के निर्धार के साथ देश चल पड़ा है, चलता रहेगा, मकसद को भी पूरा करेगा, मंजिल को भी प्राप्त करेगा। इन सब विश्वास के साथ फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।